हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे। उसके लिए हमने ये ले लिया है पोहे। आप मार्केट से अच्छा पोहा ले आइए बनाने के लिए। इसे हम अच्छे से एक बर्तन में धुल लेंगे। इसे हम एक भगोने में डाल देते हैं और इसमें हम पानी डाल देंगे। इसको हमने बिल्कुल साफ कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से, हमें इसमें पानी से तुरंत निकाल लेना है, इसमें रखना नहीं है। इस तरह से हम पानी से निकाल देंगे इसको। पोहे को हमने ऐसे धो लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। एक चम्मच चीनी। चीनी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, खट्टा मीठा। अब इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 10-15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। बीच में एक बार इसे हम चला देंगे। आप देख सकते हैं पोहे हमारे कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं 10-15 मिनट रखने से। पानी भी पूरी तरह से सोख कर लिए हैं। अब इधर हमने गैस पे जो है पैन चढ़ा दिया है। पैन हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे तेल। ऑयल हमारे अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब इसमें हम ये मूंगफली डाल के इसको भून लेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें तेल में अच्छे से भून लेंगे। मूंगफली हमने भून के निकाल लिया है। अब उसी तेल में हम डाल देंगे ये पीली राई। इसे हम चटकने देंगे। राई चटक गई है, इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च कटी हुई। करी पत्ते डाल देंगे। करी पत्ता डालने के बाद, करी पत्ता और देख सकते हैं आप सब अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हम एक मिनट रोस्ट कर लेंगे। प्याज हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। इसे एक मिनट और हम पका लेंगे हल्दी डालने के बाद, ताकि हल्दी का कच्चापन चला जाए। मसाले हमारे भून गए हैं अच्छे से। अब इसमें हम पोहे डाल देंगे। पोहे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ के साथ हमने नींबू का जूस निकाला है, इसे भी ऐड कर देंगे। इसके बाद टेस्ट बहुत ही अच्छा आता, खट्टा मीठा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट और पका लेंगे। पोहे हमारे 2 मिनट हो गए हैं। अब देख सकते हैं कितना खिला खिला पोहा बन के तैयार हुआ है। अब इसमें हम मूंगफली ऐड कर देंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी चलते हैं हम इसे सर्व करने के प्रोसेस में। पोहा हमारा बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता होता है। वैसे तो ये महाराष्ट्र और मुंबई का फेमस है, लेकिन अब तो सारे लोग बनाते हैं हर जगह। इसे हम थोड़ा सा नमकीन से गार्निश कर देंगे।
आप चाहे तो नमकीन भुजिया से भुजिया डाल के खाइए, नहीं तो आप ऐसे भी डाल के खा सकते हैं। इसके साथ हम एक नींबू रख देंगे, नींबू ऑलरेडी हमने डाल दिया है इसमें, आप चाहे तो ऊपर से भी डाल के खा सकते हैं। ये अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो एक बार इसे बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल माधुरी किचन ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे इसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुँच सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों।